भाई लोग कैसे हैं आप सब दोस्तों। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गाइस, इकाना का स्टेडियम, बहुत ही ज़बरदस्त है मुकाबला दोस्तों। अभी तक हमने दोस्तों जो प्रेडिक्शंस की हैं दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ निकली है। ठीक है, टीम थोड़ी सी कभी दोस्तों ऊपर नीचे हो जाती है, बस प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। जो जो भाई हमारे प्रेडिक्शन देख कर अपनी टीम बनाते हैं ना दोस्तों, वो कभी नहीं हारते होंगे। उसके अलावा गाइज मैं बता दूँ दोस्तों, अगर इकाना में मैच खेल रहा है ना, अगर मतलब दोस्तों खेलेगा ही खेलेगा, एकाना ही में ही खेलेगा ही मैं तो दोस्तों, एकाना के स्टेडियम विकेट बहुत गिरते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरी ए टू जेड में सारी चीज़ें एनालाइसिस करके बताऊंगा, कौन कौन से दोस्तों वो बॉलर्स हैं जो गुच्छों में विकेट निकालने वाले हैं दोस्तों, कौन कौन से बैटर्स हैं जो सेंचुरी मारेंगे कल दोस्तों। पहले सेंचुरी तो मुझे लग रहा कल कोई मार पाएगा एकाना के स्टेडियम में, ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी बड़ी हैं और पिच जो है बॉलिंग फ्रेंडली यहाँ की रहती है। ठीक है, पेसर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और गाइज मैच का दोस्तों पूरा फुल प्रेडिक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा। फ्री की प्राइम टीम है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की दोनों पता आप बना के दोस्तों आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, कौन कौन से दोस्तों प्लेयर चलने वाले हैं, कौन कौन से नहीं, बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो गाइस सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच जाए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारा, क्योंकि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं गाइस सब कुछ टेलीग्राम पर ही आते हैं, जैसे कि हमारी फ्री की प्राइम टीमें हो गई दोस्तों, और उसके अलावा गाइस मैच प्रेडिक्शंस की वीडियो और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो हम टेलीग्राम पर ही पोस्ट करते हैं सबसे पहले। तो टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख लो, हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप देखो, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना का क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और दोस्तों बैलेंस बिहेवियर पीछे बट गाइस मैं कहूँगा ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। विकेट बहुत गिरते हैं, 223 का स्कोर है आप समझ लो, ओडीआई मैचेस में 223 का स्कोर बहुत ही कम स्कोर दोस्तों, इतना तो T20I में बनता है स्कोर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्लियर है नहीं कि बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। टीम कंपेरिजन की दोस्तों मैं बात करूँगा तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिसेंटली 5 ODI मुकाबलों में से गाइज सिर्फ एक मुकाबला जीता है, और साउथ अफ्रीका ने दोस्तों अपने रिसेंटली 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते, तो साउथ अफ्रीका का थोड़ा पड़ला भारी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों अभी इतना फॉर्म में भी नहीं है, बिकॉज हमने लास्ट मैच में भी देखा था स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के अलावा सभी लोग दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख लो, हेड टू हेड का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने 3 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं, ठीक है। हेड टू हेड मुकाबले में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका का पड़ला भारी है। रिसेंटली मैच अगर हम देखें तो 5 मैचों में दोस्तों आप देख लो, यहाँ पे साउथ अफ्रीका बीट बाय ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बीट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बीट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 3 मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, और 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हराया है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कंपेरिजन करना है तो साउथ अफ्रीका की टीम बढ़िया जबरदस्त है। लास्ट में भी आप देखो 400+ रन बनाए थे, 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी थी, एडम मार्करम, वॉन डेवर्सन और दोस्तों क्विंटन डिको। तो गाइस मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मैच जाने वाला है। तो गाइस हमको कैसे इस मैच के लिए अपनी ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीम बनाना है दोस्तों आप देख लो, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बताता जाऊँगा। तो गाइस देखो, मैच नंबर है 10, ठीक है, और 2 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला, भारत श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, ठीक है। ये पॉइंट टेबल है गाइस देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 1 मैच में से 1 मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में से 1 मैच हारी है, तो भाई टक्कर जो है कांटे की ही रहेगी इसमें। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक तरफा कोई टीम जीतेगी, बिल्कुल गाइस कांटे की टक्कर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और दोस्तों आप लोग स्क्वाड देख लो, उसके बाद दोस्तों हम आपको डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पर ले जाकर प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपनी खुद की ड्रीम इलेवन की टीम इस मैच के लिए कैसी बनानी चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो कि हम लोग जो हैं आपको यहाँ पे अगर आप लोगों को अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाना आता है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप करो, ए टू जेड आपकी सारी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और दोस्तों 15-15 टीमें दे रहा हूँ बना के पर्सनल, आप ग्रैंड लीग की 15-15 टीमें दे रहा हूँ बनाकर, तो गाइज ग्रैंड लीग के लिए भी जुड़ो आप हमसे, ठीक है। उसके अलावा गाइस फ्री के भाई भी क्वेश्चन है कल का कि मोस्ट रन और मोस्ट विकेट, जो कि डेली रहता है, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट कौन मारेगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइस अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आपको हमारी तरफ से दोस्तों एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, ठीक है।
दोस्तों आप लोग देख लो यहाँ पे ये स्क्वाड है, डेविड वार्नर, मानस लमुचान, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, क्रिस ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्टिन, अबॉट। बढ़िया स्क्वाड है, स्क्वाड में कोई कमी नहीं है, फॉर्म की दिक्कत रह रही थोड़ी सी। एलेक्स कैरी, जोस इंग्लिश, एडम जेम्पा, जोस हेडलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ठीक है। और दोस्तों यहीं पे हम साउथ अफ्रीका का अगर देखें तो डेविड मिलर, आर वन डोरसन, रजा हेंड्रिक्स, टेम्बा बुगामा। दोस्तों टेम्बा बुगामा छोटे दिखते हैं देखने में लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर है। एडम मार्करम, एंडी फ्लिक बायो, मार्को जेंसन, हेनरिक क्लासन, क्विंटन डी कुक, जी कोर्टसी, कसिगो रबादा, केशव महाराज, एल विलियमसन, लुंगी निगिरी, तबिस सामसी। दोस्तों बहुत बढ़िया स्क्वाड है यार। सो गाइस देखो ये तो स्क्वाड हो गया, पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताया, हेड टू हेड, रिसेंटली फॉर्म सब कुछ बताया है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग चलो डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पर और देखो दोस्तों कैसे आपको अपनी खुद की टीमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले मैं बॉलर्स की बात करूँगा, ठीक है, प्लेयर वाइज एनालिसिस में। तो गाइस यहाँ से आप देखो सबसे पहले बॉलर्स, ठीक है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कसिगो रबादा, जोस हेडलवुड, दोस्तों ये चार जो है टॉप के पेसर्स हैं। दोस्तों यहाँ पे पेसर्स को मदद मिलती है तो इनको आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडम जम्पर, तबरेज़ शामसी, केशव महाराज और एल विलियमसन। दोस्तों इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल लीग में इनको ट्राई मत करना। उसके अलावा दोस्तों एडम मार्करम राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, मार्को जेंसन दोस्तों पावर प्ले में गेंदबाजी कराता है, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस जो क्रिस ग्रीन अगर खेलते हैं तो इनको अपनी टीम में रख सकते हो ग्रैंड लीग की। मार्कस स्टोइनिस अगर खेलते हैं तो इनको आप डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के लिए। दोस्तों एंडी फ्लिक बायो और सीन अबाउट कम है इनका सिलेक्शन परसेंटेज लेकिन बढ़िया प्लेयर है दोनों, ठीक है। यहाँ से डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ को आपको 100% अपनी टीम में रखना है, रन देंगे जरूर, ठीक है। आर डे वार्नरसन और टेम्बा बुआमा आपकी टीम में होना ही होना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग में मानस लमुचान और मानस लघुचांग ने और दोस्तों डेविड मिलर को आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को और ग्रैंड लीग में इन दोनों को रख सकते हो। और दोस्तों स्मॉल लीग की टीम देखो, सबसे पहले फटाफट से स्मॉल लीग की टीम हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल लीग की टीम दोस्तों जिस प्रकार से ही रहेगी आपकी, जैसी मैं बना के आपको यहाँ पे लाइव रूप में दिखा रहा हूँ, और यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी जो है स्मॉल लीग की टीम रखना है, ठीक है। और ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको बता देता हूँ, ग्रैंड लीग की टीम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोस्तों क्विंटन डी कुक को मैं हटा दूंगा क्योंकि विकेट जल्दी गिरेंगे यहाँ पे। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर में से स्टीवन स्मिथ को मैं रखूँगा अपनी टीम में। यहाँ से दोस्तों मैं रखूँगा डेविड मिलर को, उसके बाद गाइस यहाँ से ऑलराउंडर को मैं छेड़ूंगा नहीं। देन दोस्तों यहाँ पे कसिगो रबादा, पैट कमिंस को अपने स्क्वाड में ऐड कर लूँगा। तो गाइस मेरी कुछ इस प्रकार से ये टीम दिखने लगेगी, ठीक। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ से दोस्तों मिचेल स्टार्क, तबरेज़ शामसी, ग्रैंड लीग के लिए बताऊँ, स्मॉल लीग के लिए एडम मार्करम, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ को आप रख सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग के लिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोस हेजलवुड, कसिगो रबादा, तबरेज़ शामसी, मार्को जेंसन, ग्लेन मैक्सवेल, एडम मार्करम। दोस्तों ये ऑलराउंडर और जो जितने भी बॉलर्स हैं ये सारे के सारे ग्रैंड लीग में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को आप बना सकते हो। तो दोस्तों यार देखो मैं ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं करता हूँ कि पीछे LCD लगा के आधा आधा घंटे के घंटे का वीडियो बना रहा हूँ। गाइस देखो मुझे लग रहा है जो जो चीज़ें आपको जानना जरूरी है इस मैच के लिए वो मैंने सब कुछ बता दी। पिच रिपोर्ट कैसे रहेगी, प्लेयर वाइज एनालिसिस, दोस्तों प्लेयर वाइज एनालिसिस दोस्तों ऐसा नहीं कि इसने लास्ट मैच में इतने रन मारे, ऐसा नहीं। आपको इस मैच में इस वेन्यू पर दोस्तों इधर के लिए आपको कैसी स्मॉल लीग की टीम बनाना है और कौन सा प्लेयर दोस्तों कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है वो दोस्तों प्लेयर वाइज एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों रिसेंटली फॉर्म क्या है टीम की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है दोस्तों सब कुछ बता दिया। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की डमी टीम है, फाइनल टीम दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट होती है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू।